नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं कमल चौधरी और अभी रात के 11:30 बज रहा है और हम बिलासपुर के वसुंधरा नगर जो कि रिंग रोड नंबर 2 पे है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये घर देख के कि ये बेचारे मेहनत का लोग हैं, दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पालते हैं और ये जहाँ सोते हैं और एक ऐसा हादसा हो चुका है तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर परिवार के 4 सदस्य सोते हैं इस घर पे और यहाँ सोए हुए थे और ये मच्छरदानी के ऊपर सांप देखे तो घर की जो गृहिणी थी वो चिल्लाई है, जोर से आवाज़ दी तो ये सांप फिर वहाँ से जाके दीवार से पीछे पिलर पे घुस गया। तो चलिए कोई बड़ा हादसा ना हो, उस हादसे को टालते हुए हम कोशिश करते हैं सांप को निकाले और ये परिवार आराम से चैन की नींद सो सके। दोस्तों वो यही जगह है, सांप कहाँ से आके कहाँ घुस गया है और इसी तरह से इनके लिए जिनके घर में एक सांप निकलता है किस तरह से उनका नींद हराम होता है, तो जाहिर सी बात है इनका डरना जायज है। चलिए एक खतरनाक रेस्क्यू हम कंप्लीट करते हैं, उस परिवार को आराम से सोने के लिए इस तरह चलिए। हाँ, मोटा कपड़ा नहीं, कुछ रद्दी कपड़ा, बोरा वोरा नहीं जी, बोरा देते ना, बोरा का प्लास्टिक बोरी वोरी इस तरह का देता था। ओ चाचा बाबू का बोरा, हां उठना पड़ेगा ना। हां बोरा वोरा दे देते, पुराना चद्दर होया चले दे। हां दे रहे रुकिए, घर मिट्टी में निकाल रहा हूँ, ऊपर से निकल रहा है वो। हाँ, इधर आके ठीक है, घबराओ मत, हमारे साथ भी खतरा बना है, आप इधर पकड़ो, मैं घर के अंदर कर लेंगे, गिरा देता हूँ, मैं कर रहा हूँ। अगर मैं पूछ छोड़ूंगा ना तो भाग जाएगा, भाग जाएगा उसी को, और मेरे लिए डर भी है ना कि मेरे हाथ में मार देगा। हाँ 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 घर अंदर जा रहा, साइड घर अंदर छत पे गया, देखो तो कौन सा है, इस तरफ जा रहा है, ये निकल गया, ये देख देख घर के अंदर गए, किधर आए, इसी हिस्से से पहले वो जाए अंदर चले गए। कहाँ आवा आवा निकला।
अच्छा यही खाना बनाते हो ना नीचे रख के? तो दोस्तों देखिए किस तरह से ये रेस्क्यू हमने कंप्लीट किया, और मेरे लिए आरती के लिए हमेशा खतरा बना रहता है, और हम लोग अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं, और हमारी इस काम के दरमियान कब मौत हो जाएगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जीते जी कुछ लोगों की मदद कर ले। ये बेचारे आप खुद समझ सकते कैसे स्थिति में है, यह नीचे किचन है, खाना बना खाते हैं, और गरीब इंसान ही हमेशा ज़िंदगी भर परेशान रहता है, दिन भर पेट के लिए परेशान रहते हैं, और उसके बाद रात की जब सोते हैं तो इस तरह से अपने खतरों से इनकी ज़िंदगी भरा होता है, कब इनके साथ हादसा हो जाए। और ये बेचारे अच्छा हुआ कि मच्छरदानी लगा हुआ था, किसने देखा था सांप को? आप देख के चिल्लाए हो, मच्छरदानी के ऊपर आया था। तो दोस्तों देखिए मच्छरदानी हम लोग इसीलिए बोलते हैं, शायद अगर मच्छरदानी नहीं होता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता, और परिवार के साथ एक सदस्य से लेकर चार सदस्य के साथ खतरा बना था और किसी को भी काट सकता था। तो आज मच्छरदानी का एक फायदा आपने देख लिया। हम जैसा हर बार बोलते हैं, जो दिन भर मेहनत का मजदूर जो लोग हैं काम करते हैं, इस तरह से खाट पर सोइए, मच्छरदानी डाल के सोइए, तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। और सांप काटे तो प्लीज़ झाड़ फूक देसी इलाज मत करिए, आपकी जान डॉक्टर ही बचा सकता है। और आप लोगों से हमारी अपील है कि आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं तो आप अच्छे कमेंट देते हैं, बहुत सारा प्यार भी देते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी ऑल करिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारी वीडियो के माध्यम से लोग जागरूक हो और होने वाली हादसों में कमी हो। क्यों रो रही बहन? डर लगी। मत डरो, ऊपर वाला कि अगर हाथ में है, अगर आज मच्छरदानी लग रही थी तो हम जान खतरे में चल जा रही। तो समझ गया, इसलिए तो बोलते हैं मच्छरदानी जरूरी है। सांप काटने का इलाज सरकार ने हमारा फ्री में रखा है। सांप काटता है सरकारी हॉस्पिटल जाइए, वहाँ विषरोधी दवा इंजेक्शन फ्री में मिलता है और आपकी जान फ्री में बच जाएगी, है ना। तो किसी भी प्राइवेट, ऐसा नहीं कि इसका इलाज बहुत महंगा होता है या पैसा, प्राइवेट हॉस्पिटल मत जाइए, सरकारी जाइए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों, इसी तरह से हम दोनों अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाते हुए, और जब तक आप लोगों का दुआ है हमारे साथ तो हम बड़े बड़े हादसा हमारे लिए भी टलता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हमारा वीडियो देखते रहो। ये भी बोल रहा इसको बना लेना भैया सुबह, और अभी कुछ पैकेट कर लेना।